सीएए कानून पर जागरूकता अभियान के लिए हरदोई में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस दौरान उन्होंने गोष्ठी को संबोधित करते हुए राहुल गांधी, कांग्रेस सहित सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा बसपा सरकार में कानून का राज नहीं था, लेकिन भाजपा सरकार में यूपी में कानून का राज है। मोहर्रम का जुलूस हो या कांवड़ यात्रा, सबने सम्मान के साथ त्योहारों को मनाया है। इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी की घटना नहीं हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पीएम मोदी अपनी भतीजी को स्कूटी नहीं दिलवा पाए, पर बेटियों के लिए योजनाएं चलाई हैं। आयुष्मान योजना से 5 लाख के इलाज की व्यवस्था की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वे शांति नहीं चाहते हैं। इस पर सभी पार्टियां मिलकर सीएए पर लोगों को भड़का कर हिंसा फैला रही थी, लेकिन ईमानदार और कर्मठ सीएम ने अधिकारियों के साथ मिलकर दंगे को 3 दिन में रोका, और इसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम युवाओं का भी योगदान है, जिसके चलते दंगा नहीं हो सका। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुहर्रम का जुलूस हो या कांवड़ यात्रा हो, सभी लोग सम्मान से अपना अपना त्योहार मनाते थे। 3 साल शांति के मार्ग पर चले, लेकिन सीएए कानून बना, एक्ट बना मित्रों, और आपने हिंसा फैलाना शुरू कर दिया, दंगा फड़काना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करना चाहते थे आप, दंगा के रास्ते ले जाना चाहते थे आप, उत्तर प्रदेश को जलाना चाहते थे। नहीं, यहाँ का कर्मठ मुख्यमंत्री, योग्य मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के बदौलत 3 दिन के अंदर उन दंगाइयों को गले तक पहुंचकर उसके गले नोचने का काम और उनको कंट्रोल करने का किसी ने काम किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। इसमें योगदान मुस्लिम धर्म गुरुओं का है, मुस्लिम नौजवानों का भी है, जिसके कारण दंगा फसाद 3 दिन के अंदर कंट्रोल हुआ। आप कहते हैं कानून का राज नहीं है, इस देश में कानून का राज नहीं मित्रों, तो सपा बसपा शासन में कानून का राज होता है। जो एक खानदान सपा एक खानदान मिलकर उत्तर प्रदेश को लूटता है, एक यादव को भी भला नहीं करना चाहता है, चुनाव लड़ेगा आजमगढ़ से स्वयं जाकर, बदायूं से दूसरा खानदान का धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे, कन्नौज से स्वयं पत्नी लड़ेगी। चोटियों में शहादत दे देते थे, लेकिन पहली बार उनके शव को संस्कार करने के लिए देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी पेट्रोल पर और 30 लाख का चेक की व्यवस्था किसने किया तो देश के अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। मित्रों, ये साइलेंट इंडिया नहीं थी मित्रों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यह साइलेंट इंडिया नहीं थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना सीसी लाने का किसी ने काम किया तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, लेकिन वो नौजवान सो गया सुनिया झूठ बुलाकर फिर अपने पैरों पर खड़ा नहीं करता। मोदी नहीं करेंगे मित्रों तो आजम खान करेगा, कौन करेगा मित्रों? ये राष्ट्र हित में निर्णय नहीं है, देश के हित में नहीं है। 370 सालों तक हम चिढ़ाते रहे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हम 70 साल तक चिढ़ाते रहे, एक लौह पुरुष जैसा व्यक्तित्व गृह मंत्री बना और एक झटके में 370 पैसे से समाप्त कर दिया आदरणीय अमित शाह मित्रों। और आज वहां लोग खुशहाल है, आतंकवाद दम तोड़ रहा है, नक्सलवाद दम तोड़ रहा है, माओवादी दम तोड़ रहा है, और आदरणीय मोदी जी महात्मा गांधी के रास्ते पर शांति दूत, और शांति जहां है मित्रों वही प्रगति है, वही उन्नति है। हम नहीं चाहते युद्ध हो, आतंकवाद जन्म दे, हम चाहते हैं कि शांति के मार्ग पर लोग बढ़े और विश्व पूरा शांति के रास्ते पर चले। केजरीवाल ने कहा था कि हनुमान जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, भाजपा वाले फर्जी हिंदू हैं, उनको हनुमान का आशीर्वाद नहीं था। वो क्या कहता है, क्या बोलता है, क्यों चक्कर में पड़े? दिल्ली चुनाव में अभी बोला ना कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सब उनका जीवन है, इस राष्ट्र के लिए समर्पित है, देश के लिए था, मोदी जी उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। गरीबों का कल्याण करना ही हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार का मकसद है। हम किसी को लूटने नहीं आए ना गुमराह करने, मेरे जीवन का लक्ष्य है, हम राजनीतिक व्यापार नहीं करते हैं, हम राजनीतिक मिशन के लिए करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव एक दर्शन दिया है, अंत्योदय दिया है, जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, उस रास्ते पर हम आगे बढ़े। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उसी रास्ते पर आगे बढ़े। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से लेकर प्रधानमंत्री सड़क योजना तक आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उस गरीबों को 24 घंटा लाइट मिले, उसके घर में कनेक्शन पहुँचे,
उसके घर उज्ज्वला गैस पहुँचे, 5 लाख का स्मार्ट कार्ड हो रहे, सम्मान निधि 2000-6000 साल का मिले, बाकी सभी काम उनके बेटियों को योगी जी शादी करवा सकें गरीबों की, और मंत्री से लेकर पूरा सरकार उनके कन्यादान में पहुँचे। गरीबों का कल्याण हम लोगों का जीवन का लक्ष्य है। राष्ट्र हित में निर्णय लेते हैं तो गरीब के हित में निर्णय लेते हैं। दिल्ली चुनाव के बारे में क्या आपका? देखिए, अब दिल्ली तो वोटिंग हो ही गया है, आप स्वयं सर्वे करेंगे बताएंगे, मैं तो चुनाव वहाँ सरकार बना रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।